खबर है मिर्जापुर से। आज जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव कमलेश यादव का आगमन हुआ। जिला अध्यक्ष देवी चौधरी की अगुवाई में कमलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर मुझे मिर्जापुर का प्रभारी बनाया गया है और मैं पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। सबसे पहले तो आज का दिन जो देश के सबसे बड़े खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जो आज जयंती है उसको नमन करता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े खिलाड़ी के नाम पे उन्होंने झांसी में इतना बड़ा स्टेडियम देने का काम किया और उनके मर जाने के बाद उनके जो पुत्र हैं सुपुत्र हैं उनको यश भारती से सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि मुझे मिर्जापुर का प्रभारी बनाया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे मैं मिर्जापुर में आया हूँ। मेरा लक्ष्य है कि समाजवादी लोहिया वाहिनी, मेन मकसद समाजवादी लोहिया वाहिनी का जो संगठन के फंडल हैं उनकी समीक्षा हेतु है और उस समीक्षा उस संगठन के बल पे मुझे 2022 का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।